टाइम फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ जैसे आप सभी को पता है पावर बूस्टर सेशन की सीरीज़ चल रही है और आज हमारी आपके साथ फोर्टीन क्लास है हम इससे पहले थर्टीन क्लासेस कर चुके हैं अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड हम कर रहे हैं जिस तरीके से हमने मोस्ट रिपीटेड मीडियम फेजिस को कवर किया है यहाँ पर हम मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सबचुएशन को भी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर जैसा आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे कि आज हमने चार वर्ड्स लिए हैं जैसे कि मैंने बोला था कि पहले हम दो ही कर रहे थे आज से हमने थोड़ा सा अपना लेवल अप कर लिया है ताकि हम चीज़ों को और अच्छे से कर पाएँ और दूसरी बात ये कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप चाहें तो मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ दूसरी बात ताकि भाई नोटिफिकेशन वगैरह आ जाए आपको पता चल सके आराम के रूप में नोटिफिकेशन मिल जाए नहीं तो पता नहीं चलता कि कौन सी क्लास आई है कौन सी क्लास नहीं आई है ना और प्रेस कीजिएगा बेल आइकन पर ऑल ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे अगर आप इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं पढ़ने वाले हैं तो ज़रूर करें मेरे हिसाब से और दूसरी बात ये कि आप सारी वीडियोस को कंप्लीट देखें नोट्स बनाएं प्रॉपर टेलीग्राम चैनल से अगर कोई पीडीएफ अपलोड हुई है तो उसकी प्रैक्टिस करें और अपनी तैयारी को पूर्ण रूप से रूप दें और कहीं डाउट हो कोई परेशानी हो तो आपको मैंने नंबर भी प्रोवाइड कर दिया अब तो तो आपकी परेशानी कब काफ़ी हद तक कम हो गई होगी दूसरी बात ये कि हम जितना एफर्ट अपने ऑफलाइन में मतलब जब कोचिंग में पढ़ाते हैं तब लगाते हैं या लाइव क्लासेस या पेड कोर्सेज़ जो हैं पेड बैचेस उसमें लगाते हैं तो उतना ही एफर्ट उससे कहीं गुना ज़्यादा हम यहाँ पर भी लगा रहे हैं ताकि आप सबको भी उतना ही कंटेंट मिल सके जो बच्चे मुखर्जी नगर नहीं आ सकते या लक्ष्मी नगर नहीं आ सकते हैं हमसे जुड़ नहीं सकते हैं या जो बच्चे पैसे नहीं दे सकते हैं तो वो कैसे पढ़ें उनके लिए भी तो कुछ ना कुछ सोर्स अवेलेबल कराना है तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है और ये तो आप सभी बताएंगे कि प्लेटफॉर्म कैसा है मैं कैसी हूँ पढ़ाती कैसा हूँ है ना वो तो आप सभी को पता होगा क्योंकि मैं तो पढ़ा देती हूँ बट देखा आप रहे हैं तो वियर जो ऑडियंस होती है वो ज़्यादा अच्छे से जज कर पाती है और अगर सच में अच्छा लग रहा है बेटा तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसे ताकि और लोगों का भी भला हो सके और हमें हमेशा कहती हूँ अधूरे मन से किया गया प्रयास कभी सफल नहीं होता अगर प्रयास हो ही रहा है तो पूरे मन से होना चाहिए तो जब पढ़ा रही हूँ तो फिर आप पूरे तरीके से अच्छे से डेडिकेटेड होकर पढ़ाया जाए तो मैं अपने काम के लिए बहुत डेडिकेटेड हूँ और आपको भी डेडिकेटेड होना पड़ेगा ठीक है कोशिश कर रही हूँ कि कंटिन्यूटी ब्रेक आपकी ना हो हालाँकि तबीयत ठीक नहीं है उसके बाद भी मैं आपके सामने हाजिर हूँ वीडियो लेके ताकि आपकी कॉन्टीनिटी जो मैंने प्रॉमिस किया जो मैंने रेजोल्यूशन लिया वो ब्रेक ना हो तो ऐसा आप भी कोई रेजोलूशन लीजिए कि मुझको इस साल पेपर निकालना है मुझको ये करना है रेखा अगर वीडियो देख रहे हैं तो रेखा बेटा और बाकी सबको भी कि जो प्यार करने का हक रखता है वो डांटने का भी रखता है तो अगर मैंने थोड़ा बहुत कह भी दिया तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं है जस्ट समझाया ही है कि दस दिन में चीज़ें नहीं हो पाती हैं और एक सही सीमा है इसकी एक टाइम है तो उस टाइम स्लॉट में अगर आप करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर रह पाएंगी आप क्लास रेगुलर देखिए चीज़ों को समझिए अगर आपको लगता है कि यहाँ से कोई फ़ायदा मिल रहा है तो देखिए नहीं तो मत देखिए भाई किसी और को देख लीजिए ठीक है अगर मुझे लगता है आपको लगता है कि मैं अच्छा पढ़ाती हूँ तो मुझसे देखिए मुझसे समझिए अगर लगता है मैं अच्छा नहीं पढ़ाती बेकार पढ़ाती हूँ तो लेवे है ना आप छोड़ सकते हैं यहाँ से जा सकते हैं और दूसरी बात यह कि अगर डिसलाइक करते हैं आप वीडियो को तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताया करें कि डिसलाइक क्यों किया है ताकि जब हमें हमारी कमियाँ पता चलेंगी थैंक यू सो मच कि आप सब डिसलाइक बहुत सारे लोग डिसलाइक भी कर देते हैं तो इस वजह से हमें पता चलता है कि नहीं अभी हमें और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो आप लोग ही हैं जो हमें इम्प्रूव करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए एक मोटिवेशन देते हैं राइट तो मुझे आप बताया करें कि मैम क्या गलती है क्या इम्प्रूव हो सकता है आपके सजेशन हमेशा वेलकम है और हम उस पर जो लगेगा हमें कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है तो हम उस पर जरूर काम करेंगे और सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग है ना और जब भी हम पहली बार किसे मिलते हैं तो उसको गुड मॉर्निंग ही कहा जाता है और आप खूब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे तबियत तबियत ठीक होगी आपकी मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ तो चलिए फिर आज याद करते हैं बहुत दिनों बाद वर्ड याद करने जा रहे हैं सो तो पहला ई हमारा वन वर्ड सॉरी है ना ई इतना याद कर लिया है कि ई मीडियम रहता है बट तो आप वन वर्ड देखते हैं है ना और वो चार सौ बेटा कराए है ना अगर तुमने वो कर लिए और आपने साथ में टेस्ट किया सेल्फ कर लिया तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है आपको तो मैंने सीजल 2019 प्री के अंदर जितने ए आए थे ना वो सारे भी करा दिए उसमें देख लेना मिल जाएगा उसी लिस्ट प्ले के अंदर देखो यहां पर इनकेपेबल ऑफ पेइंग डेप्ट जो क्या ना हो कैपेबल ना हो इनकेपेबल हो जो कैपेबल ना हो जिसमें क्षमता नहीं है क्या करने की पे करने की क्या पे करना है डेप्ट कर्जा चुकाने के लिए वो सक्षम नहीं है उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कर्जा चुका पाए इसका मतलब वो व्यक्ति क्या होगा उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे तो उसको बोलेंगे इनसॉल्वेंट कि वो क्या नहीं कर सकता सॉल्व नहीं कर सकता सॉल्व नहीं कर सकता मतलब जिसके पास प्रॉब्लम है वो उसके पास उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इसलिए वो सॉल्व नहीं कर सकता है इस वजह से वो परेशान है उसका दिवालिया निकल चुका है राइट तो यहाँ पर बैंक्रप्ट बोलते हैं उसको जब उसका दिवालिया घोषित हो जाए किसी का इन सोल्वेंट है सॉल्व नहीं कर सकता है अपनी प्रॉब्लम्स को जितना उसको ज़रूरत है पैसों की उतना उसके पास पैसा है नहीं तो इनकेपेबल ऑफ पेइंग डेफ्स का मतलब हो गया इन सोल्वेंट bankrupt insolvent bankrupt insolvent bankrupt तो ऐसा व्यक्ति जो इनकैपेबल है debts को कर्जे को पे करने में उसको इनसॉल्वेंट बोलते हैं बैंकक्रप्ट बोलते हैं इनसॉल्वेंट बोलते हैं बैंकक्रप्ट बोलते हैं तो इनकैपेबल ऑफ पेइंग debts मतलब हो जाएगा इनसॉल्वेंट बैंक्रप्ट इनसॉल्वेंट बैंक इन कैपेबल ऑफ पेइंग डेप्ट का मतलब होगा इनसॉल्वेंट बैंक्रप्ट इनकैबल ऑफ पेंग डेप्ट का मतलब होगा इनसॉल्वेंट बैंक्रप्ट आगे लिखा है पहला वर्ड हमें याद हो गया डोंट टीच फ्रॉम द बोर्ड वाइल रिवाइज ऑल द वर्ड्स व्हाट यू हैव इट जो भी आपने पढ़ा है बोर्ड पर सीचरिंग ना करें कृपया करके और मुझे रिवाइज करें मेरे साथ तो हमने पढ़ा एक ऐसा व्यक्ति जो इनकैपेबल है बैन करने में डैप्स को उसको क्या बोलेंगे इनसॉल्वेंट बैंकक्रप्ट इनसॉल्वेंट बैंकक्रप्ट इनसॉल्वेंट बैंकक्रप्ट बोलेंगे ऑब्सोलीट मतलब आउटडेटेड आउट ऑफ फैशन ऑब्सोलीट आउटडेटेड आउट फैशन ऑब्सोलीट आउट ऑफ डेट है ना जो डेट से बाहर हो जाए आउटडेटेड हो जाए आउट ऑफ फैशन हो जाए तो आउट ऑफ फैशन है आउटडेटेड है है, 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 दो याद हो गए होंगे हमने पढ़ा जो कर्जा चुकाने में सक्षम नहीं है paying, जो है, उसे चुकाने में इनकैपेबल है मतलब वो इनसॉल्वेंट है बैनक्रप्ट है इनसॉल्वेंट है बैंक्रप्ट है इनसॉल्वेंट है बैंक्रप्ट है, है, है याद हो गया उम्मीद कर रही हूँ आप सभी से याद हो गया होगा कि हाँ भाई इनकेपेबल ऑफ पेइंग डेफ्ट का मतलब हो गया इनकेपेबल ऑफ पेइंग डेफ्ट का मतलब इन और बैंकप्ट हो गया फिर हमने एक वर्ड पढ़ा था अगर अभी थोड़ी देर पहले आपको याद हो थोड़ा सा अपने दिमाग पे अगर आप जोर देंगे तो ये तो पहला वर्ड हो गया कि इनकेपेबल है और आपका है ना जो इनकेपेबल है पेइंग डेफ्ट में उसको बोलेंगे इनसॉलवेंट और बैंकप्ट एक आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा जो आउट ऑफ फैशन है जो ओल्ड फैशन है जो आउटडेटेड है जो ऑप्सोलीट है आउट ऑफ फैशन आउटडेटेड, डेटेड ऑप्सोलीट आउट ऑफ फैशन है आउटडेटेड है डेट से बाहर निकल चुका है अब जिसकी डेटी ख़त्म हो गई हो वो क्या बेकार हो जाएगा पुराना हो जाएगा ओल्ड हो जाएगा राइट तो आउटडेटेड है ओल्ड फैशन है आउटडेटेड है ओल्ड फैशन है ऑप्सोलीट है ऑप्सोलीट आउटडेटेड ओल्ड फैशन ऑप्सोलिट आउटडेटेड ओल्ड फैशन ऑप्सोलीट Outdated, old fashioned, याद हो गया। तो पहला हमने पढ़ा कि incapable ऑफ paying डेप्ट मतलब क्या हो गया इन सोलवेंट insolvent इन सोलवेंट बैंक इन सोलवेंट दूसरा हमने याद किया क्या दूसरा हमने ये पढ़ा है बेटा जी कि जो आपका क्या कहते हैं आउट ऑफ फैशन हो जो ऑप्सलीट हो जो आउटडेटेड हो जो ऑप्सलीट हो आउटडेटेड हो आउट ऑफ फैशन हो ऑप्सलीट हो आउटडेटेड हो आउट ऑफ फैशन हो यहाँ पर देखेंगे करप्ट मतलब जो भ्रष्ट है जो सीधे तरीके से पैसा नहीं कमाता गलत तरीके से पैसा कमाए ठीक है एक्स्ट्रा वेजेंट एक्स्ट्रा वेजेंट का मतलब होता है खर्चीला एक्स्ट्रा वेजेंट मतलब खर्चीला जो एक्स्ट्रा खर्च करता है मतलब फालतू करता है एक्स्ट्रा मतलब करता है वो हो जाएगा खर्चीला जो एक्स्ट्रा खर्च करे मतलब फालतू खर्चा करे मतलब खर्चीला एक्स्ट्रा वेगेंट मतलब खर्चीला एक्स्ट्रा वेगेंट मतलब खर्चीला

Outdated, आउट ऑफ फैशन करप्ट मतलब जो सही तरीके से पैसा ना कमाए है ना गलत तरीके से लोगों को पैसा दे और गलत तरीके से काम करवाए लीगली कोई काम ना करवाए एक्स्ट्रा वेगेंट मतलब खर्चीला हो जाएगा एक्स्ट्रा वेगेंट मतलब खर्चीला हो जाएगा उम्मीद कर रही हूँ ये पहला वाला आपको याद हो गया होगा बिना देखे बताइएगा तो हमने पढ़ा incapable ऑफ पेइंग debts मतलब इन bankrupt बैंक इज सॉल्वेंट बैंक बैंक दूसरा हमने पढ़ा जो आउटडेटेड है ऑफ्सोलीट है आउट ऑफ फैशन है आउटडेटेड है ऑफ्सोलीट है आउट ऑफ फैशन है आउटडेटेड है डेटेड है आउट ऑफ फैशन है आउटडेटेड है obsolete, fashion है आउट ऑफ फैशन है आउटडेटेड है है आउट ऑफ फैशन है फिर हमने पढ़ा जो करप्ट है जो तरीके से सही तरीके से पैसा ना कमाए फिर पढ़ा एक्स्ट्रा वैघिन एक्स्ट्रा खर्चा करे मतलब खर्चीला याद रहे आगे चलते वन हु हिज कंट्री जो अपनी कंट्री से प्यार करता है उसको पैट्रियट बोलते हैं पैट्रियट बोलते हैं और जो अपनी कंट्री से धोखा देता है उसे ट्रेटर बोलते हैं क्या गद्दार ट्रेटर मतलब गद्दार ट्रेटर मतलब गद्दार कोलोबरेट मतलब, मतलब होता है कोलैब करना कोलैब मतलब मिलजुल कर काम करना मिलकर काम करना कॉन्स्पिरेटर होता है जो कंस्पिरेसी षड्यंत्र होता है षड्यंत्र रचने वाला व्यक्ति है ना कॉन्स्पिरेटर होता है तो वन हु लव्स हिज कंट्री पैट्रियट वन हु लव्स हिज कंट्री पैट्रियट वन हु लव्स हिज कंट्री पैट्रियट और जो धोखा देगा वो ट्रेटर है गद्दार है ट्रेटर 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 गद्दार और कोलैबोरेटर होता है कोलैबोरेटर 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 कोलैबोरेशन हो जाता है दो चीजें मिल जाती हैं मर्ज हो जाती हैं एक दूसरे में शामिल हो जाए मिलकर काम करना है ना दो कंपनीज बड़ी बड़ी हाथ मिला लें तो क्या कोलब्रेशन हो जाएगा अन अकाडमी और वाईफाई जिस तरीके से तो मिलकर काम करना मतलब कॉलेबरेटर कॉन्स्पिरेटर मतलब षड्यंत्र कॉन्सपिरेटर मतलब षड्यंत्र कॉन्स्पिरेटर मतलब षड्यंत्र कॉन्सपिरेटर मतलब षड्यंत्र याद हो गया तो हमने क्या पढ़ा ध्यान से हम देखेंगे पहले पहला वर्ड जो हमने पढ़ा बेटा वो पढ़ा इन ऑफ पेइंग डेप्ट कर्जा चुकाने में सक्षम नहीं है मतलब वो क्या है जल्दी से बताइएगा इंसॉलवेंट है और आपका बैंक है फिर हमने पढ़ा जो करप्ट है जो गलत तरीके से पैसा कमाए हमने पढ़ा आउट ऑफ फैशन है ओल्ड फैशन है आउटडेटेड है ऑब्सोलीट है फिर हमने उसमें था, जो लास्ट पढ़ा एक्स्ट्रा वेगेंट पढ़ा जो एक्स्ट्रा खर्चा करे खर्चीला फिर हमने पढ़ा वन हु लव ओन कंट्री जो अपनी कंट्री से प्यार करे पेट्रोइ है जो अपनी कंट्री से गद्दारी करे गद्दार ट्रेटर है फिर हमने इसके अंदर ट्रेटर पढ़ लिया फिर पढ़ा कॉलेबरेटर जो मिलकर काम करते हैं कॉलब करते हैं फिर हमने पढ़ा कॉलेबरेटर में भी याद हो गया हमें फिर हमने पढ़ा इसके अंदर कॉन्स्पिरेसी कॉन्स्पिरेटर कॉन्सपिरेटर होता है षडयंत्र रचने वाला कॉन्सपिरेसी होती है षड्यंत्र जो लोगों के खिलाफ प्लान बनाए जाते हैं रचे जाते हैं फिर वो प्लान उस तरीके से एग्जीक्यूट किए जाते हैं गलत तरीके से गलत सोच के किसी को फंसा देते हैं ना दैट इज कॉल्ड जो पॉलिटिक्स वगैरह खेली जाती है षड्यंत्र बोलते हैं कॉन्स्पिरेटर क्लियर है तो उम्मीद कर रही हूँ यहाँ तक तो आपको याद होगा राइट आगे चलते हैं अ लॉन्ग एंड अग्रेसिव स्पीच एक लंबी स्पीच जब मम्मी तुम्हें डांटना शुरू करती है तो जब तक अपनी सारी भड़ास नहीं निकाल लेती बोलती रहती है बोलती रहती है बोलती रहती है बोलती रहती है गुस्से में है ना ऐसे ही है लंबी सी स्पीच दे देती है तो उसको क्या बोलते हैं हेरेंग है बोलते हैं है ना हार करके बेचारी थक करके तुम से तो बस चलता नहीं है तो वो अपने चिल्ला चिल्ला के गुस्सा निकाल लेती है तो हैरंग बोलते हैं क्या बोलते हैं हैरेंग बोलते हैं अलॉन्ग एंड अग्रेसिव अग्रेसिव के दो मीनिंग होते हैं पॉजिटिव भी नेगेटिव भी पॉजिटिव में एक्साइटेड होता है नेगेटिव में वायलेंट एंग्री होता है तो गुस्से में मम्मी बोलती है डिस्कशन मतलब जानते हो डिस्कस करना चीज़ों को एलिकुस मतलब होता है फ्लुएंसी स्पीच और टॉकिंग बोलने में बहुत ही ज़्यादा क्या है फ्लूएंसी है ना एक फ्लो है प्रोलॉग का मतलब होता है इंट्रोडक्शन प्रीफेस है ना शुरुआत में होता है बुक के इंट्रोडक्शन प्रीफेस है ना प्रिल्यूड होता है प्रियम्बल होता है फॉरवर्ड होता है प्रियम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शुरुआत में होती है प्रस्तावना राइट तो प्रोलॉग का क्या मीनिंग हो जाएगा ये तीन तो याद हो गए कि लॉन्ग और अग्रेसिव स्पीच को हैरेंग बोलते हैं डिस्कशन डिस्कस करना एलुक्स मतलब फ्लुएंसी स्पीच या टॉकिंग हो जाएगा ठीक है अब लिखा है प्रोलॉग प्रोलॉग मतलब इंट्रोडक्शन प्रीफेस प्रोलोग 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 इंट्रोडक्शन प्रीफेस याद हो गया तो पहले हम यहाँ तक याद कर लेते हैं प्रोलोग इंट्रोडक्शन प्रीफेस है ना पहले रिवाइज कर लेते हैं हमने पहला वर्ड पढ़ा था वो पढ़ा था कि भी इनकेपेबल है पेइंग डेफ्ट करने में मतलब इंसॉल्विट है बैंक है हमने पढ़ा जो ऑप्सोलीट है आउटडेटेड है आउट ऑफ फैशन है हमने पढ़ा भाई क्या कहते हैं जो ये करप्ट है मतलब जो गलत तरीके से पैसा खिलाता है और खाता है फिर हमने पढ़ा कि एक्स्ट्रा है मतलब एक्स्ट्रा खर्च करता है खर्चीला है फिर हमने पढ़ा वन हु लवस इज ओन कंट्री जो अपनी कंट्री से प्यार करता है पेट्राइट है हमने पढ़ा जो अपने कंट्री से गद्दारी कर दे वो ट्रेटर है हमने पढ़ा जो मिलजुल कर काम करे कॉलेब्रेटर है जो षड्यंत्र रचे है ना षड्यंत्र रचने वाला व्यक्ति षड्यंत्र होती है कॉन्स्पिरेसी और षड्यंत्र रचने वाला मतलब कोषड कॉन्स्परेटर हो जाएगा फिर हमने यहाँ पर पढ़ा जो लंबी सी गुस्से में स्पीच दी जाए अग्रेसिव पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है पॉजिटिव में एक्साइटेड है नेगेटिव में आपका एंग्री है एंगर है वायलेंट है तो हमने पढ़ा कि जो उसको बोलते हैं हैंग बोलते हैं डिस्कशन मतलब जानते हो डिस्कस करना होता है एलोक्स मतलब होता है फ्लुएंसी होना स्पीच में मतलब बात करते वक्त में फिर हमने पढ़ा जो लास्ट वर्ड है वो हमने पढ़ा है कि क्या कहते हैं जो आपका शुरुआत में इंट्रोडक्शन है प्रीफेस है प्रियम्बल है प्रीफेस है प्रेमबल है प्रोलॉग है तो हमने पढ़ लिया प्रोलॉग है इंट्रोडक्शन है प्रीफेस है प्रेमबल है प्रीलूड है फॉरवर्ड है प्रीलूड फॉरवर्ड है प्रीलूड है फॉरवर्ड है प्रीलूड है फॉरवर्ड है तो आपको क्या क्या पढ़ लिया आपने प्रोलॉग पढ़ लिया प्रेम्बल पढ़ लिया प्रोलॉग है प्रेम्बल है फॉरवर्ड है प्रोलॉग है प्रेम्बल है फॉरवर्ड है प्रीफेस है इंट्रोडक्शन है तो प्रोलॉग है इंट्रोडक्शन है प्रीफेस है प्रीलूड है प्रेमबल है फॉरवर्ड है याद रहेगा आगे चलते हैं लिखा स्कूल और कॉलेज इन वन हैज बीन एजुकेटेड पर वो पढ़ा हो है ना स्कूल से है ना जहाँ से स्कूल से वो पढ़ा हो तो वो स्कूल का क्या कहलाएगा तो स्कूल का कहलाएगा एलुमिनी स्कूल का क्या कहलाएगा एलुमिनी कहलाएगा यहाँ देखिएगा द स्कूल और कॉलेज इन विच तो यहाँ पर एलुमिनी हो जाएगा बेटा आंसर ठीक है और यहाँ लिखा है मैं मतलब होता है टीचर ग्रेजुएट होगा तो ना तो मेंटर आंसर होगा ना गैजेट उस व्यक्ति को एलोमिनी बोलते हैं जिस कॉलेज से या स्कूल से वो पास आउट करता है चांसेस द एजुकेशन प्राप्त की होती है और जिस जगह से एजुकेशन प्राप्त की जाती है उस जगह को अलमामीटर बोला जाता है मेरे स्कूल का नाम है ना प्रिंस पब्लिक स्कूल रहा है जहाँ से मैंने अपना स्कूलिंग कम्प्लीट किया तो प्रिंस पब्लिक स्कूल क्या है अलमामीटर है जहाँ से मैंने शिक्षा प्राप्त की ठीक है और मैंने वहाँ की मैं क्या हो गई क्योंकि अब तो स्कूल जाते नहीं हैं हम है ना बट स्कूल में कभी ना कभी पढ़े हैं तो जहाँ से हमने शिक्षा प्राप्त की उस स्कूल के हम क्या हैं वन व्यक्ति क्या है वो व्यक्ति तो एलुमिनी है क्या है एलुमिनी है तो लिखा द तो स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज बिन एजुकेटेड जो जहाँ पर भाई एजुकेटेड हुआ हो एलुमिनी बोलेंगे उसे क्लियर है उम्मीद कर रही हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी आपकी नहीं होगी तो उम्मीद कर रही हूँ यहाँ तक इस तरीके से क्या आपको याद हो गया होगा